Deshna Jain is the winner of Miss Deaf India. पर उसके सपने तो इससे भी बड़े हैं. क्या आपने सुनी है इसकी स्टोरी? नहीं? सुनो ना. Hello all. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. Excited हूँ. This is the first such award for India, and it makes me very happy. कहीं भी जाते तो कोई कहता है मदर फादर है देशना के, तो बहुत प्राउड महसूस होता. शायद नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स को इतना प्राउड महसूस नहीं होता होगा. जब मैं मॉडलिंग कर रही होती हूँ, जब मैं स्टेज पे होती हूँ, मैं अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस करना चाहती हूँ. डेफनेस इज नॉट एन ऑब्स्टिकल ऑन स्टेज. मेरा जन्म एक बहुत ही छोटी सी जगह टीकमगढ़ में हुआ है. मध्य प्रदेश का एक छोटा सा स्थान है. मैं सिर्फ पढ़ाई और डांस में रुचि रखती थी. इंदौर में आके मुझे सब लोगों ने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो. मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि मॉडलिंग के लिए यू आर परफेक्ट. माय फर्स्ट एवर ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाज विद पीपल हु कुड हियर एंड आई वाज क्राउन द फर्स्ट रनर अप. आई कुड सी एवरीवन क्लैपिंग फॉर मी. Even though I couldn't hear their applause, I could see them praising me. जब मैं मध्य प्रदेश में मिस एमपी रही तो वो लक था, वो इजी था. फिर मैंने अपने फेस पे, अपने मेकअप पे, स्टाइल पे वर्क किया. फोन पे देख के सीखा, लोगों से पूछा कैसे चलना है, अपना शोल्डर पीछे रखना है या फुट आगे. मैं मिस डेफ इंडिया रह चुकी हूँ, मिस डेफ एशिया रह चुकी हूँ, मिस डेफ इंटरनेशनल रह चुकी हूँ. इतने बड़े अचीवमेंट्स के साथ मैंने ये देखा है कि होर्डिंग्स में, टेलीविजन में, मैगजीन्स में, एड्स में मुझे नहीं लिया गया है. हियरिंग लोगों को बहुत जल्दी मौके मिलते हैं. किस पार्टी को चुनना है, किस सरकार को आगे लाना है, उसके लिए हमें पूरी डिटेल नहीं पता होती है, बिकॉज इट्स नॉट एक्सेसिबल टू अस. टेलीविजन के लिए हम पे करते हैं हर महीना, बट देयर इज नो इंटरप्रेटर ऑन द टेलीविजन टू ट्रांसलेट द न्यूज़ फॉर अस. हियरिंग कम्युनिटी को बहुत जल्दी न्यूज़ प्राप्त हो जाती है, और वही न्यूज़ डेफ कम्युनिटी को उस दिन नहीं, बहुत महीनों बाद पता चलती है कि ऐसा भी कुछ समाज में हो रहा है. आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू हैव इंटरप्रेटर्स एंड सबटाइटल्स ऑन द टेलीविजन ऑल द टाइम.